नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चीन में कोहराम मचा है तो भारत में भी हलचल स्वाभाविक है। आखिर कोरोना चीन से ही तो दुनिया भर में फैला था। चीन के भयावह हालात देखकर भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। भीड़ में जाएं तो मास्क जरूर लगाएं और बूस्टर डोज नहीं लगवाया है तो तुरंत लगवा लें। भारत में पहले और दूसरे डोज तो ज़्यादातर लोगों ने लगवा दिए थे, लेकिन बूस्टर अब तक केवल 27% लोगों ने ही लगवाया है। समय रहते चेतावनी जारी करके सरकार ने अच्छा काम किया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन रखने के बारे में कुछ नहीं कहा है। इस बारे में कोई नीति नहीं बनाएंगे तो आफत को आने से कोई रोक नहीं सकता। पिछले सालों पहली और दूसरी वेव के दौरान हम इसका हश्र देख चुके हैं और उसके दुष्परिणाम भुगत चुके हैं। हाँ, केंद्र सरकार ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर जरूर निशाना साधा है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखकर कहा कि कोरोना की धमक सुनाई दे रही है, ऐसे में आपको भारत जोड़ो यात्रा रोक देनी चाहिए। ये बात और है कि यह चिट्ठी लिखने तक सरकार ने कोरोना को लेकर कोई भी एडवाइजरी जारी नहीं की थी। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने जब सवाल उठाया कि जब कोई एडवाइजरी जारी ही नहीं हुई तो ऐसे में आप यात्रा को रोकने के लिए कैसे कह सकते हैं, विपक्षी दलों ने यह भी कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ रही भीड़ को देखकर केंद्र सरकार घबरा गई है। सरकार बैकफुट पर आई और पूरे देश के लिए बुधवार दोपहर में एडवाइजरी जारी कर दी कि मास्क पहने और बूस्टर डोज लगवाएं। दरअसल जब सत्ता पक्ष कोई सभा या रैली करता है तो कोरोना का कोई अहमियत आड़े नहीं आता। ऐसे में विपक्षी समारोहों पर सत्ता पक्ष या सरकार द्वारा कोई टिप्पणी की जाती है तो सरकार पर सवाल उठाना लाजमी हो जाता है। निश्चित रूप से राहुल गांधी इतनी बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं तो सावधानी तो कांग्रेस को बरतनी ही चाहिए। इस बारे में जो सरकार की हिदायतें हैं उनको 100% पालन कर इस यात्रा को बढ़ाना चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री चिट्ठी लिखकर यात्रा रोकने की सलाह एडवाइजरी जारी करने से पहले ही जारी कर दें, यह बात थोड़ा अचरज भरी घटना के रूप में सामने आती है। ठीक है, आप एडवाइजरी जारी कर रहे हैं तो उसका पालन भी करवाइए। यात्रा में शामिल जो लोग इसका पालन ना करें उन पर कार्यवाही करने का आपको पूरा अधिकार है, लेकिन यात्रा रोकने की सलाह आप कैसे दे सकते हैं जब तक कि कोई गंभीर उल्लंघन आपको या आपकी मशीनरी को ना दिखे। ऐसे में आप देखना होगा कि इस एडवाइजरी जारी होने के बाद भारत जोड़ो यात्रा पर क्या असर दिखाई देता है।